नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भारत की प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकला जिसका नाम है गोंड कला, जिसे हम फोक आर्ट के नाम से भी जानते हैं, ट्राइबल आर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम एक पेड़ ड्रॉ करने वाले हैं, पेड़ की कुछ टहनी भी ड्रॉ करने वाले हैं। इस टाइप से ड्रॉ करना है, लाइट लाइट ड्रॉ करना है, बहुत पेंसिल को दबा दबा कर नहीं चलाना है, इरेज करने में आसानी रहती है। पेड़ की जो ब्रांचेस होती है ऊपर से पतली होते होते नीचे की ओर थोड़ी सी मोटी मोटी मतलब ब्रॉड होते जाती है। यहाँ पर हम पेड़ का जो नीचे का पार्ट है वो इस टाइप से जिगजैग करते हुए ड्रॉ कर लेते हैं और भी इस साइड से ब्रांचेस बना लेंगे। गोंड पेंटिंग भारत की सबसे बड़ी जनजातियों से संबंधित एक कला है जो 2000 साल से भी अधिक पुरानी बताई जाती है। गोंड मुख्य रूप से भारत में कई प्रदेशों में फैला हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। गोंड शब्द का अर्थ कोंड शब्द से आया है, जिसका अर्थ है हरे भरे पेड़। गोंड का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए पेड़ों का इसमें बड़ा महत्व है। इसलिए कोई भी गोंड आर्ट फॉर्म देखेंगे उसमें पेड़, पौधे, पशु पक्षी, जानवरों के ड्राइंग बनाई जाती है। अब यहाँ पर हमने पूरी ब्रांचेस और पेड़ ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर हम कुछ पंछी बनाएंगे, कुछ बर्ड बनाएंगे जो कि डेकोरेटिव फॉर्म है, रियलिस्टिक नहीं होते हैं, इसलिए इस टाइप से ड्रॉ करना है। तो पेड़ के ऊपर कुछ पंछी बैठे हैं, कुछ इस साइड से, कुछ ऊपर, कुछ नीचे। हमारे मन से और भी दूसरे टाइप के पंछी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस टाइप से नहीं भी कॉपी किया तो चलेगा, यदि आप बनाकर देखना चाहते हैं तो अपना इमेजिनेशन भी ऐड होना चाहिए। गोंड चित्रकला का बेस जो रहता था वो कहानियाँ होती थी, कहानियों के आधार पर यह ड्राइंग बनाया करते थे। इस टाइप से हम कुछ पंछी ऊपर नीचे की ओर बना लिए है। अब हम जो पेड़ है, पेड़ की पत्तियाँ डेकोरेटिव फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर से कर्व करते हुए नीचे की ओर और उसमें कुछ फल भी ड्रॉ करते हैं। आज भारत में मध्य प्रदेश स्थित डिंडोरी जिला, जिसमें पाटन गांव बड़ा ही फेमस है, इस पेंटिंग का श्रेय पाटन गांव के जनगढ़ सिंह श्याम जी को जाता है, जिन्होंने आज पूरे विश्व में गोंड चित्रकला को एक बहुआयामी आयाम दिया है। गोंड चित्रकला गांवों में घर की दीवारों के ऊपर फर्श पर बनाई जाने वाली एक चित्रकला है, जिसके लिए आजू बाजू में जो मिट्टी पाई जाती है, लाल रंग की, सफ़ेद रंग की, गेरू कलर, इस टाइप से जो मिट्टी पाई जाती है, गोबर, इनसे लिपा पोती करके बनाया जाने वाला आर्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास ये वाटर कलर है, पानी है, ब्रश है, वाइट पेन है, मार्कर पेन है और ये पॉइंट वाले पेन है। इस टाइप से हम किसी का भी यूज़ करके ड्राइंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेड़ में ग्रीन कलर्स करते, तो यहाँ पर जो कलर्स हुआ करते थे ओरिजिनल गोंड आर्ट में, वो प्राकृतिक जैसे फल पत्तियों से बनाए जाते थे। आज हम वाटर कलर के रूप में या एक्रेलिक कलर्स के रूप में भी बनाते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले पेड़ को कलर्स कर लिया है और जो पंछी है उनको ऑरेंज। अब ब्लू कलर से हम कुछ पत्तियों की ड्राइंग में कलरिंग कर लेते हैं। इस आर्ट फॉर्म में हमारे मनपसंद कलर कॉम्बिनेशन में हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम पत्तियों का कलर्स ब्लू कलर्स करें तो एक एक पत्तियाँ छोड़ के करना है और जो साइड में रहेंगे उसमें हम इस टाइप का पिंक कलर का शेड का यूज करते हैं। तो ब्लू और पिंक कलर्स की जो पत्तियाँ हैं उसको पूरा अच्छे से कलरिंग कर लेंगे। अब जो रेड कलर है उससे हम जो फल है उसको कलरिंग कर लेते हैं। तो हमारे मनपसंद कलर कॉम्बिनेशन में भी हम ये पेंटिंग बना सकते हैं। यहाँ पर आउटलाइन के लिए हम सबसे पहले पेन है उसका यूज़ करेंगे। पेन नहीं है हमारे पास तो हम डायरेक्ट ब्रश से भी कर सकते हैं, पॉइंट वाले ब्रश से ब्लैक कलर का यूज़ करके। आमतौर पर गोंड चित्रकला में जो प्राकृतिक रूप से लकड़ी का कोयला, रंगीन मिट्टी, पौधों का रस, फूलों का रस, गाय का गोबर जैसी वस्तुओं का यूज़ करके कलर्स बनाए जाते थे, तो इस टाइप से हमने ये पूरा आउटलाइन कर लिया। अब जो पत्तियाँ ड्रॉ की है उसके अंदर हम ब्लैक पेन से इस टाइप से डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन हम हमारे मनपसंद टाइप से भी कर सकते हैं, हमारा इमेजिनेशन भी ऐड करना। पूरा हो गया,
अब जो हमने बर्ड बनाए, पंछी बनाए, उसके अंदर हम इस टाइप से डेकोरेटिव फॉर्म में डिजाइन बना लेते हैं। तो सारों को इसी टाइप से करना है या अलग अलग भी हम कर सकते हैं, ऊपर और नीचे की भी सारे पे। यहाँ पर हम पेड़ के अंदर इस टाइप से डिजाइन बना लेंगे। तो मुख्य रूप से बिंदु, डैश और घुमावदार रेखाओं का यूज ज्यादा किया जाता था गोल्ड आर्ट चित्रकला में। और यहाँ पर सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला जैसे चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता था। तो पूरा पेड़ में हम इस टाइप से डिजाइन कर लेंगे। पूरा का पूरा गोल्ड आर्ट पेंटिंग हम हमारे मनपसंद कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन में हम बना सकते हैं। आपको ये ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।